गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मंथ्स व्लॉग गाइस। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और ये अब जब तैयार व्यार हो गई हैं तो फोटो सेशन चल रहा है इनका। मैंने बोला ठीक है, तुम फोटो सेशन करो, मैं अपना वीडियो भी बना लेती हूँ। और अभी थोड़ी देर में ये जॉब पे जाएंगी तो शुरू हो जाएगी इनकी ड्यूटी। इधर भी देखो, उसको भी बोलो। और रहेगी है हाँ, चलो बात बात करते हैं। जैसे ही बाहर निकली इनको दिखेगी साइकिल, ये तो हो गया। अब तो हमें साइकिल चलानी है। बहुत मन कर रहा था, दो इन सबका ही कर रहा था, दोनों का ही नहीं। फिर निकाली साइकिल, बच्चों की साइकिल दिखेगी। बस मैंने बोला ठीक है चलाओ चलो। कहती दीदी अभी तो टाइम है, 10-15 मिनट है जाने में। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम साइकिल चलाओ और मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, अच्छी लगेगी सबको। तो चली हैं पुलिस वाली, अब जरा साइकिल पे जरा टेंशन मारने चली हैं। अच्छा लग रहा था बहुत, इतनी खुश हो रही थी साइकिल चला के। कहती कि काफ़ी टाइम बाद चलाई है, मौका नहीं मिलता आजकल। मैंने बोला चलो ठीक है, शौक पूरा करो अपना। अरे मौका मेरी भी करनी है, सेंड तेरी भी खींचो। हां मैं मेरी बना रहा है। दूरों बनानी दीदी, दूरों नहीं नेड़ियों से ही लगती है, तू दिखा मेरी। तो आपको होली की दोबारा से बधाई दे रही हूँ। और ये हमारा कल्चर है, देखिए हमारे यहाँ होली में ना ये माला होती है, खाने पीने का सामान होता है, और ये माला रेडीमेड ही मिल जाती है, जिसको चाहे घर में भी बना लेते हैं। और ये माला ना बच्चों को पहनाते हैं। और मेरे पापा जब आए थे ना, अब तब पापा लेके आए थे इन दोनों की और मेरे छोटे लड्डू की। तो लड्डू को अभी नहीं, मैंने यहाँ बिठाया है, उसको पहना के फिर उसको रखूँगी। मुझे ना कई बार ये लगता है मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी ज़्यादा दिखाऊँगी तो। आपने भी देखा होगा वीडियोस में, मैं उसको ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। तो अभी मैंने इन दोनों को बिठा दिया है, मैंने बोला चलो ठीक है लड्डू को भी लेके आती हूँ, अभी यहाँ बैठो, बाद में लेके आऊँगी उसको। और ये देखो, इसमें ये ऐसे बिस्किट हैं, और मुझे तो ये जब देखो ना, इन मालों में ही मिलते हैं बिस्किट, वैसे तो मिलते ही नहीं है। छोटे छोटे बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट सब होता है इनमें। मम्मा अभी आ रहे हैं, भैया अभी आ रहे हैं, हम चलते हैं। देखो सारे आ रहे हैं, हम जाएंगे। तो अभी हम कॉलेज में पहुंच गए हैं, हमारे साथ में ही है कॉलेज, कॉलोनी के साथ में ही है। तो उधर में कबड्डी के मैच चल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ, थोड़ा शूट करके लेके आती हूँ। तो अभी आप भी इंजॉय करो, कबड्डी हुई कई दिन तक चलाइए, ये फिर होली वाले दिन ही फिनिश हुआ है, तब तक ये 3-4 दिन हुआ है। और फिर मुझे एक्चुअली मैं बता रही हूँ कौन सी टीम जीती हो, मैं पता नहीं कर पाई, सॉरी, लेकिन थोड़ा मैच जरूर आपको दिखा देती हूँ, तो आप भी इंजॉय कीजिए। मैं ये सोचता नहीं, मैदान के बीच पहुंच चुके ने, खिलाड़ियों आशीर्वाद दे रहे हैं। ओवर टू सतपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष सिंह जी चैर साहब, शेरे पंजाब कबड्डी अकैडमी कैलीफोर्निया के शहीद भजन सिंह जा रहे हैं दोनों टीमों के नाल, जान पहचान करते लिए साड़ी सर्कल शहर कबड्डी के माण मत्ते खिलाड़ी अर्जना वाड़ी
महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड के जेतू सरदार बलविंदर सिंह फिड्डा ते पंजाब पंजाबी गायकी के सरमौर गीतकार मंगल हठूर जी उचेचे तौर पर खेल ग्राउंड के विच ने। एक पासे कलम का धनी है जिन्हें बहुत सभ्याचारक विरसे के गीत लिखे है मंगल हठूर, और दूसरे पासे साड़ी खेल कबड्डी का इस सर्कल स्टार कबड्डी का सब तो बड़ा सरनामा जिमें सवेरे डॉक्टर साहब दस रहे थे सरदार बलविंदर सिंह जी फिड्डा। दुनिया के बच्चे दसण की लड़ नहीं कि बलविंदर सिंह फिड्डा कौन सी। 30 साल लगातार नैशनल स्टैंड सर्कल स्टैंड कबड्डी जिन्हें बहुत रले खेडी है, और पंजाब पुलिस में एस पी तैयार हुए हैं सरदार बलविंदर सिंह जी फिड्डा जिन्होंने भारत का सब तो व्डा विकारी खेड यादगारी फोटो तो बाद श्री आनंदपुर साहब की धरती है। 8वां होला महला कबड्डी कप गतका कप से कुश्ती दंगल जरा देख रहे हो समुची इंग्लैंड कबड्डी फैडरेशन जी है फिर ग्राउंड के समय श्री आनंदपुर साहब की गुणवत्ता धरती से आई हुई है सारे संतान वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी की फतेह।
वीर प्रशांत पर कृपा दृष्टि कर संतन सुख पाए नमी करे कभी वीर प्रशांत काट काट के काट काट की जाबूझ कर करा कर तारा सदा सत सब देश पारा ये देखिए जब इतनी जगह है वो भी कम पड़ रही है लोगों को तो कैसे अरेंजमेंट कर रखा है। दो ट्रैक्टर ट्रॉली टेम्पो देखो सब मिला के ऐसे कवर कर रखा है और इसके अंदर ये रहेंगे एक तरह से रूम हो गया ही या इनका। मैंने सोचा चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं लोग। जगह तो बहुत है गेस्ट हाउस ये सब बहुत है इधर, लेकिन फिर भी लोग इतने ज़्यादा हैं कि क्या कर सकते हैं कोई। तो उन्होंने देखो कैसे अरेंज कर रखा है यहाँ पे सब। देखो उधर आगे भी हैप्पी होली गाइस। और आज होली वाले दिन लेकिन इधर तो मेला लगा है, इधर तो सही में मन कर रहा है ये बस ख़त्म ही ना होए। बहुत अच्छा लग रहा है सब बस ये चलता रहे कंटिन्यू। अभी दो दिन बाद हो जाएगा फिर वही दो जो चार चार आदमी दिखाई देंगे फिर से वही शांति बिल्कुल तो अभी सुबह में आपका आपको दिखाया वो हमारा कल्चर है वो माला वाला सब ना, वो हमारा कल्चर है कि बच्चों को है ना ऐसे माला पहनाते हैं फिर वो कुछ तो खा लेते हैं और कुछ उठा के रख देते हैं। एक हफ्ते बाद ना हमारा होता है माता पूजना बोलते उसको, तो सप्तमी वाले दिन होती है वो करते हैं हम लोग तो माला। इसलिए मैंने बोला बेटा थोड़ा थोड़ा बचा देना तब खाना कंप्लीट। तो अभी दोनों ने आधी आधी रख दी है और तब फिर 7 दिन बाद होती है वो सप्तमी वाले दिन तो जाएगी फिर दे दूँगी और जैसे होएगी तब आपको बता दूँगी कैसे क्या होता है। फिलहाल हम होली पे आते हैं वापस से तो अभी वो लड़कियाँ भी गई हैं घूमने फिरने हो गई है नैना देवी, 3 तो नैना देवी गई है। कल रात ना 6 हो गई थी और जिसमें रह रहे थे ना उनके घर गेस्ट आ गए तो उन्होंने मना कर दिया उनको। फिर वो बोले दीदी मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने बोला ठीक है जहाँ ये है तू भी आ जा वो जा सेट है भाई मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसको भी किया एडजस्ट लेकिन वो आज चली गई है, वो एक ही रात रुकी थी वो आज चली गई है। और अभी ये लोग भी देखते हैं कल जाएंगी कि परसों जाएंगे जब भी, लेकिन लड़कियाँ बहुत खुश हैं सच में दिल से बहुत। दीदी आप सच में बहुत अच्छे बोलती हैं। मैंने बोला ठीक है भाई जब रखना है तो अच्छे से रखना है, अदरवाइज तो फिर क्लियर मना कर दो भाई हम नहीं रख सकते। तो इसलिए मुझे रहता है कि नहीं इनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल जब है मेरे पास तो इनको मैं करवा दूँ अवेलेबल। एटलीस्ट लाइफ में याद तो रखेंगे ना कि हम वहाँ गए थे ऐसे रुके थे। देखो अब पता नहीं इसके बाद हम मिले ना मिले लेकिन मेमोरीज़ रह जाती हैं जो वो होता है ना खटी मीठी यादें, तो ऐसी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ तो हर कोई याद रखता है। कल को ये अभी अनमैरिड है इनकी शादी होगी, कभी कभी कोई जिक्र चलेगा या बताएंगे भी हाँ ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं तो शायद उम्मीद करते हैं हम शायद हमारा भी नाम ऐड करें लोग तो करें ना करें लेकिन हम अपना फ़र्ज कर रहे हैं ठीक है भाई। मैंने देखा और मैंने की हेल्प करके मुझे जितना अच्छा लग रहा है शायद उनको भी उतना ही अच्छा लग रहा है मेरे साथ रहना। हम पूरा उनका मन भी लगा के रखते हैं, मेरे बच्चे दोनों लगे रहते हैं उनसे बातें करने उनके साथ खेलने। जैसे वो दिन में जाती हैं जॉब करती हैं तो वो टाइम से ही आ जाती है थोड़ा। क्या अभी उनमें से 3 गई हैं नैना देवी, मुझे भी बोल रही थी दीदी चलो नैना देवी दर्शन करके आते हैं मत्था टेक के आते हैं। मैंने बोला ठीक है पर मैं नहीं चल सकती, हाँ आप चले जाओ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है और उसमें फिर कल पता नहीं क्या हुआ ट्यूशन याद ही नहीं रहा। फिर मैंने इनको बोला बेटा कल नहीं जा पाए थे किसी भी रीज़न से बट आज तो आपको जाना ही पड़ेगा तो इसलिए आप जाओ। और मत्था मैंने बोला हम बहुत बार जा चुके हैं ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं गए हैं, और जब माता का बुलावा आता है ना सच में अचानक से ही बनता है प्लान। जैसे वो गई हैं कीरतपुर साहब मत्था टेकने, वो भी बोल रही थी दीदी चलो, मैंने बोला नहीं मैंने मुझे लगा वो यहाँ मार्केट घूमने जाएंगी तो मैंने उनको रोक के रखा। मैंने बोला रुको रुको मुझे तैयार होने दो मैं भी चलूँगी, और जब तैयार श्यार हो गए फिर पता चला वो तो कीरतपुर साहब जा रहे हैं।
मैंने बोला नहीं ठीक है, आप मेरे साथ है ना, थोड़ा ये कबड्डी वाला चल रहा है ना, थोड़ा ये शूट करके आती हूँ, चलो आप। तो उधर तक थोड़े चले गए थे हम लोग और मैं शूट कर लाई जो आपने देखा ही। और अभी तो करूँगी खाने की तैयारी, हाँ हमारा तो फेस्टिवल है ना, तो सोची हूँ लंगर में ना जाऊँ, आलू पूड़ियाँ बना देती हूँ, बच्चे खुश हो गए खा लेंगे, अपना फेस्टिवल तो मनाएंगे ना अपने घर में। थोड़ा कुछ मीठा भी बनाना है तो अभी देखती हूँ, या तो सेवियाँ ही बना दूँगी, हलवा तो अभी खाया था 3-4 दिन पहले, तो अभी हलवा तो नहीं बनाऊँगी, सेवियाँ ही बना देती हूँ। और पता चलेगा, हमारे यहाँ ना होली पूजन नहीं करते, जबकि मेरे मायके में करते हैं, मेरे मायके वाले में तो सब करते हैं, लेकिन इधर नहीं होता है। कुछ हो गया होगा, इंसिडेंट होता है ना जब कुछ फेस्टिवल है, दिन फेस्टिवल है उस दिन कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो फिर वो फेस्टिवल पे ना एक तरह से बोल दो बैन लग जाता है, ऐसा कुछ है। तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं, और सास से पूछती हूँ तो शायद उनको भी पूरी अच्छी से नहीं पता है, वो बोल देते पता नहीं, मेरे आने से पहले से ही नहीं पूछते हैं ये। तो अब जब किसी को लड़का होगा सेम होली वाले दिन, तब जाके वो बैन खुलेगा, ये ऐसा हमारी मान्यता है। अब आप लोगों को चाहे किसी में से किसी को अच्छा लगे भाई लड़का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो है हर धर्म की ना अपनी कुछ मान्यता होती है, तो ये हमारी है। तो अब देखो कब किसको होता है होली वाले दिन, कब ये खुलता है पूजन, कब हम पूजेंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल हम अपने फेस्टिवल सारे अच्छे से ही मनाते हैं, कोई बात नहीं। पूजन नहीं करते तो क्या, अपना त्यार श्यार होते हैं बढ़िया से, खाना बनाते हैं, बच्चों को ये माला वाला सब गिफ्ट दे देते हैं, सबको विश कर देते हैं, हो गया। और बस पूजा नहीं तो नहीं होता, बाकी तो सब होता है, न्यू न्यू ड्रेस पहनते हैं, सब करते हैं। और मैंने दूसरी ड्रेस मंगवाई थी एटलीस्ट होली के लिए, सच बताऊँ ना मैं भूल गई सच बताऊँ ना मैं भूल गई पहनना, मैं मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने मीशो से अभी आपने देखा ना व्लॉग में मंगवाई थी कि ये होली पे पहनूंगी मैं, आई थिंक 10-12 दिन हो गए मंगवाई थी, लेकिन मैं खुद ही भूल गई हूँ। और मुझे अब भी आपसे बात करते करते याद आया है कि मैं तो ड्रेस पहनना ही भूल गई, और वो ऐसे भी नहीं कि मैं अभी पहन लूँ थोड़ी देर के लिए, वो अल्टर होगी तब पहनी जाएगी। मैंने ना जानबूझ के कि बड़ा साइज मंगवाया, कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसे ड्रेस मंगवाई है, एक 2-3 महीने पहले साड़ी मंगवाई थी और अभी मैंने ड्रेस मंगवाई, तो मैंने सोचा पहले ट्राई कर लूँ तो कहीं साइज में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा बड़ा मंगवा लिया। अब वो ऑल्टर होगा तब मैं पहन पाऊंगी, अब वो कब होगा मुझे भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही लग रहा है ना, अच्छा ही तो लग रहा है यही पहन लिया, सच में याद ही नहीं रहा। याद आता ना तो मैं सुबह भी ऑल्टर कर लेती, मैं खुद ही कर लेती, लेकिन मैं भूल गई, भूल गई तो भूल गई, अब भी जस्ट अभी याद आया। अब क्या, कब मैं ऑल्टर करूँगी, कब मैं उसको पहनूंगी, और अभी खाने का टाइम हो रहा है, मुझे खाना बनाना है अब, तो अभी जाती हूँ किचन के अंदर बनाती हूँ खाना, और वो लड़कियाँ आएंगी उनसे भी पूछूंगी उनका कैसा है रहा एक्सपीरियंस, वो फर्स्ट टाइम गई है नैना देवी, हम तो बहुत बार गए जब वो आएंगी तब बात करवाऊंगी। मैंने उनसे कल बोला कि मैं व्लॉग में डालूंगी कुछ बोलो, वो इतनी शर्मा रही है, मैंने बोला तुम पुलिस वाले हो कहती नहीं दीदी मैंने बोला ठीक है तुम ना सिर्फ वीडियो में आ जाओ, मैं अपने आप बोल लूंगी, मुझे ये आदत बोलने की, मैं ही बोल लूंगी तो इसलिए अभी जब वो आएंगे तब उनसे पूछ के बताऊंगी, पता नहीं वो बोलेंगी कि नहीं, लेकिन उनसे पूछ लूंगी क्या क्या हुआ था ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो अभी फिलहाल मैं खाना बना लेती हूँ और ओके थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो खाने में मैंने आलू पूड़ी बना ली थी और मीठे में मैंने सेवियाँ बनाई हैं, सिंपल ही रखा है, मैंने बोला चलो ठीक है बार बार कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, थोड़ा सिंपल खाना भी चाहिए, तो सेवियाँ मीठे के लिए बना दी हैं, अब मैं दे के आ रही हूँ बच्चों को डाल के। तो फ्रेंड्स डिनर हो चुका है, डिनर के बाद ये सेवियाँ खा रहे हैं, डिनर में आलू पूरी बना दी थी और अभी सेवियाँ खा रहे हैं, मैंने सोचा आलू पूरी तो एक कॉमन हो गया ना तो इसलिए दिखाया नहीं, और अभी सेवियाँ खा रहे हैं बच्चे और फिर सो जाइए तो मैं इनको ना होली के कलर दिलवा के लाई थी, दिखाती हूँ आपको। ये देखो हम कितना सारा सामान लेके, ये वाला मेरा है, ये वाला भैया का है, देखो भैया ने ये कलर फॉग भी लिया,
और हमने ये स्प्रे बॉटल्स भी ली, ऐसे ऐसे करके स्प्रे करेंगे, और हमने ये कलर्स भी लिए, इनके गुलाल स्प्रे और ये कुछ देखना कैंडल जैसा लग रहा है। मुझे लगा ये क्या दे रहा है, ये कलर हो गया है, कलर हो गया ना, तो ये कलर ये पलवी के हैं, ये कुछ के मैं इसके फ्रेंड जाते हैं तो उसका माल भी जाता है। अच्छा मैंने पिंक वाली साड़ी लड़ी ले ली, मैंने पिंक वाली साड़ी लड़ी ले ली क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट कलर है। तो कलर वलर सब हो गया है, और बट है ना एक दिक्कत हुई, पिचकारी नहीं मिली। पिचकारी वो थी जो छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, वो वाली पिचकारी थी, वो इनको पसंद नहीं, तो स्टार्टिंग होती है ना वो वाली, बड़े वाली मिली नहीं, उस शॉप पे नहीं मिली, बहुत अंदर मार्केट में जाना पड़ेगा, उधर रश था, बहुत ज़्यादा रश था, जो कबड्डी का मैच चल रहा है ना वो फिनिश हो गया था, तो सारी पब्लिक स्टेडियम पूरा फुल था, जो सब कॉलेज से निकल गए, इतना ज़्यादा रश था, तो हम अंदर ही नहीं गए उस टाइम, वहीं से ही आगे मुड़ के हम। और देखा तो हमने वो इसलिए कैंसिल कर दिया आगे जाना, बट अब उसके डैडी गुस्सा हो रहे हैं कि क्यों नहीं दिलवा के लेके आए हो, तो मुझे कल सुबह ही जाना पड़ेगा पिचकारी लेने, देखती हूँ मिल जाए कोई, खुले होंगे वैसे होला मेला चल रहा है तो लेट तक रात में और सुबह में जल्दी तो खोलते होंगे, ये उनकी कमाई का सीजन है, तो जाऊंगे आगे सुबह में जाऊंगे कल तो लेके आऊंगे बच्चों के, मुझे ऑर्डर दिया है स्पेशली, तो ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो मैं कल जाऊंगी, पिचकारी मिल गई आए वो मिल जाए, एक थी उधर बड़ी वाली और लेकिन वो बिक गई थी। अगर आप नहीं लेके आए ना स्प्रे मारूंगा। नहीं लाऊंगी तभी भी मारेगा। सुना। तो अब मैं कल सुबह जाके पिचकारी ले आऊंगी, देखूंगी आई होप मिल जाए, और चलो आज की ना वॉकिंग भी बहुत हो गई है, इधर 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 कॉलोनी में बहुत चक्कर करती मैं, आज मेरे पैर दुख रहे हैं। तो चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके बाय।